नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। खबर गाजियाबाद से है, जहां भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण कर शोभा यात्रा निकाली है। वहीं सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा में लोग शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को हाथों में तख्तिया और पार्टी का झंडा लेकर नजर आए। वे क्षेत्रीय संयोजक तरुण शर्मा ने 42वें वर्ष पूरे होने पर लोगों को बधाई दी। वहीं कार्यालय पर बुलडोजर भी देखने को मिला, जिस पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर हमारा सिंबल है, जो दिखाता है कि हमारा सुशासन के प्रति कितना सजग है। भाजपा के 42 वर्ष जो समाज सेवा में और बिल्कुल साफ सुथरी कार्यशैली के साथ जो कंप्लीट हुए हैं, मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूंगा और चाहूंगा कि इसी तरीके से आगे भी ये सब चलता रहे, समाज की सेवा होती रहे। खबर चंदौली से, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज 42वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय दिल्ली से देश के पीएम मोदी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनको भाजपा की विकास, विश्वास और विस्तार की नीति और नियत के बारे में बताया। भाजपा का स्थापना दिवस प्रदेश के साथ ही जनपद में धूमधाम से मनाया गया। सभी भाजपा मंडलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं भाजपा के मुगलसराय मंडल में मुगलसराय से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश जायसवाल और सैकड़ों कार्यकर्ता स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए और एक दूसरे को बधाई दी। आज हम लोगों ने एक दूसरे को स्थापना दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बधाई दी। एक दूसरे से गले मिलकर हम लोगों ने आज के दिन को पर्व के रूप में मनाया और बहुत ही उल्लास से कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रतिबद्धता भी स्वीकार की कि भारतीय जनता पार्टी के उस राष्ट्रवादी विचारधारा में यदि अपनी भूमिका हम तय कर पाते हैं तो ये सौभाग्य का क्षण हम लोगों के लिए होगा, ऐसा संकल्प हम लोगों ने लिया। भारतीय जनता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्र को आपत्तिजनक पढ़ाई कराने का मामला सामने आया है और अब ये मामला विवाद का रूप लेता जा रहा है। बता दें कि प्रोजेक्टर पर पढ़ाई के दौरान और धार्मिक देवी देवताओं, विवादित टिप्पणी और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है। एएमयू के पूर्व छात्र निशीत शर्मा ने पढ़ाने वाले प्रोफेसर व डिपार्टमेंट के चेयरमैन के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने कही है, उसकी वजह यह है कि एक हिस्टोरिकल चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने कुछ कोर्ट के डिस्कस जजमेंट्स को भी, मथुरा हीर के केस को और निर्भया केस को भी उन्होंने कॉन्टेक्चुअलाइज किया है। तो ये एक मसला है, भी है, इसके बारे में पूरी तरीके से हम कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि क्लास रूम में जब कोई डिस्कशन होता है तो उसका इंटेंशन भी होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी होता है। तो अब ये इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट क्या है ये तो डॉक्टर जितेंद्र ही बता पाएंगे जब उनसे अब मुलाकात होगी। किस तरीके से कार्रवाई बनती है इसमें अगर नहीं, ये सारी चीज़ें जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा मसला आता है तो इसमें मेरे ख्याल से वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब इसका नोट लेंगे और जो एज पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी जो चीज़ें बनेंगी उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। क्या नाम है आपका और किस तरह की शिकायत लेके आए थे? मेरा नाम डॉक्टर निशित शर्मा है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी पता लगा है कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन में एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा एक रेप का विषय होता है उसको पढ़ाते वक्त जो उदाहरण दिए गए हैं वो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान इंद्रदेव और अन्य हमारे जो हिंदू देवी देवताएँ हैं उनको लेकर अमर्यादित और अशोभनीय उदाहरण दिए गए हैं और वो इस प्रकार से हैं कि हम और आप उन पर चर्चा भी नहीं कर सकते। तो इस पूरे मामले में मेरी मांग ये है कि उस संबंधित शिक्षक पर मुकदमा दर्ज हो और ऐसा उदाहरण तय हो कि उस शिक्षक की अंतरात्मा कांप जाए। इस संदर्भ में जानकारी की गई तो जानकारी में आया है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा फॉरेंसिक साइंस की क्लास लेते समय के द्वारा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस तरह की कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है जिससे धार्मिक भावना आहत होने के संदर्भ में एएमयू की तरफ से उन्हें 100 काज नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अग्रिम 24 घंटे के अंदर अपना जवाब दाखिल करते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकरण में
को लेकर बीजेपी के जिला कार्यालय पर स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष राम मिश्र ने सस्पेंड आईएएस सुनील वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए सपा की मानसिकता के चलते भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली जबकि समाजवादी पार्टी को दो सीट मिली, यानी कि भाजपा की सीट को हरवाने में कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और आईएएस सुनील वर्मा का पूरा हाथ था। भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में योगी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। उसी क्रम में जिलाधिकारी पे तमाम जिलाधिकारी औरैया पे तमाम शिकायतों की थी, उसकी एक हमारे यहाँ कमिश्नर आईजी दोनों लोग टीम बना के आए और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों से हम सबसे सीधी वार्ता करके और उन्होंने यहाँ जिलाधिकारी और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सब की लिखित तौर पे सारी विवेचना की और उस विवेचना को सीएम साहब के यहाँ प्रेषित किया और उस प्रेशर पे 24 घंटे में सीएम साहब ने जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया और विजिलेंस के जांच के द्वारा जो भी कानून के दायरे में भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएगा उसको योगी सरकार में यशस्वी मोदी जी की सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद में इंदिरापुरम के शिप्रा रिगेलिया हाइट्स में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के फ्लैट पर ईडी की रेड पड़ी। ईडी के इस एक्शन पर स्थानीय लोगों ने भी जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि फ्लैट में रहने वाले सीए ईडी टीम के आने से पहले अचानक गायब हो गए और दो दिन पहले वो यहीं पर थे। लोगों ने यह भी बताया कि ईडी के एक्शन लेने की भनक लगते ही सीए अपने परिवार के लोगों के साथ फरार हो गए। ईडी के छापा पड़ा है, आज हम लोग को पता चला कि रात से ही छपा पड़ा है यहाँ पे। कौन से फ्लैट में पड़ा है? 1306। कौन रहते हैं वहाँ पे? तेहरान जी। पता पहले तो ट्रैफिक उस पर वो करते थे, प्राइवेट में जाके गाड़ियों के वो करना, रोड पे वो करना, और इससे आगे हम लोग को कोई पता नहीं। उनके लड़के भी कहीं जॉब करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ ने अपना सीएम पद की शपथ ली है उसके बाद लगातार कई कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही। आपको बता दें हम इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इंदिरापुरम में स्थित है। ये सिप्रा सन सिटी है जहां पर रिगेलिया हाइट्स अपार्टमेंट है। यहां पर ईडी का सुबह से ही छापा लग रहा है और बता दें आपको यहां पर एक सीए है जिसके घर पर छापा लग रहा है लगातार। आप देख सकते हैं यही वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 13वें माले के ऊपर यहां पर ईडी आई है। लेकिन जब मौके पर ईडी यहां पहुंची है तो यहां पर जो यहां के लोग थे, जो सीए थे, जो घर में मौजूद थे, जिनका नाम संजीव बताया जा रहा है पिताजी का नाम, लेकिन लड़का मौके पर फरार है जो कि सीए है। आपको बता दें इसी बिल्डिंग में अभी भी ईडी लगातार बैठी हुई है और मौके पर जब सब कोई वहां नहीं मिला है, नहीं मिलने के बाद उन्होंने वहां का ताला तोड़ा है घर का और लगातार अंदर छानबीन जारी है। गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, प्राइम टीवी। खबर बरेली से है जहां बम मिलने की सूचना पर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपको बताते चले कि एक युवक को पन्नी में बम मिल गया था जिसकी सूचना युवक ने पुलिस को दी। वहीं युवक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बम को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं बरेली के बदायूं रोड पर चौरीकरण का काम चल रहा है जिसके चलते ये कहना मुश्किल है कि बम कहाँ से आया है। मामला ये है सर कि मैं सुबह अपनी शॉप खोलने के लिए आ रहा था, ये मेरा घर सामने है, तो यहाँ पे जाम लगा हुआ था। मैंने रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करने के बाद जैसे ही मैं कूदा तो मेरे पैरों पे कोई लोहे जैसी चीज़ लगी। जब मैंने उसे पैर से इस तरीके से हटा के देखा तो कुछ भारी सी लगी, तो मैंने उसको इस तरीके से पैर के इस रोड रोड के इधर को कर दिया। मैंने जब उसको डंडे से हटा के देखा तो उसमें जैसे बम टाइप का होता है उस टाइप का मुझे लगा। जब मुझे उस टाइप का लगा तो मैंने अपने भैया को फ़ोन किया, मैंने भैया ऐसी ऐसी बात है और मैं दुकान जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम वहीं पे रहना, कहीं जाना मत। तो मैं यहीं पे उनका इंतजार कर रहा, जब भैया आए तो उन्होंने आके यहाँ पे सब लोगों को फ़ोन किया, तब यहाँ पे सारे लोग आए हैं। यहाँ पे सड़क खुदाई का कार्य चल रहा है जिसमें नाली खुदाई का कार्य हो रहा है, तो इसी में एक निष्क्रिय एक पुराना हैंड ग्रेनेड जो है वो नीचे दबा हुआ मिला किसी मजदूर को और पुलिस यहाँ पे सूचना पे पहुँची है और हमने BDTS टीम को इत्तला कर दी है और वो आके इसको वेरीफाई करेंगे और इसका पता करेंगे कि किन परिस्थितियों में यहाँ पे है। और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये पुराना यूज्ड जो है डिफ्यूज्ड है और इससे फिलहाल हम पुलिस यहाँ पे पहुँची हुई है और इसमें जो कार्रवाई की जा रही है।
मैनपुरी शहर के एसडीएम सदर और क्षेत्र अधिकारी नगर ट्रैफिक निरीक्षक कोतवाली निरीक्षक ने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। जानकारी दी गई है किसी प्रकार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा। सभी व्यापारी रेहड़ी वालों से अनुरोध किया गया है कि सड़क के किनारे पट्टियों पर जितने भी अतिक्रमण है उनको अपने आप हटा ले, नहीं तो मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अधिकारियों ने कहा है कि शहर के किनारे अतिक्रमण होने से आम लोगों को काफी समस्या उठानी पड़ती है। कल से ही ये अभियान बहुत ही बृहद स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। कल एसपी साहब के निर्देशन में मैं सीएम सदर साहब साहब और सब पूरी टीम हम लोगों ने मिलकर शाम को पैदल चल दिया और सबको सचेत किया कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। उसके बाद जिन्होंने नहीं हटाया था आज मिशन नदी पुल से लेके क्रिश्चियन तिराहा तक हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। कल मिशन नदी से पूरी बाजार में चलेगा ये अभियान, अब चलते रहेंगे। तो इसलिए जिनको बचना है, जिनको कार्रवाई से बचना, वो स्वयं अपने जो हद है उसके अंदर कर लेंगे, नहीं तो उनके साथ अब कार्रवाई भी की जाएगी, जुर्माने भी लगेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर एफआईआर भी किया जाएगा। बिजनौर के राष्ट्रीय किसान यूनियन के किसानों ने गन्ना समिति पर एक मीटिंग की। मीटिंग में किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग और प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर एसडीएम सदर को सौंप दिया। इसी के साथ जानकारी दी गई कि पशुओं के चारों के लिए संकट पैदा हो गया और बैठक में किसानों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की गई। बता दें कि किसान और कार्यकर्ता गन्ना समिति कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे, जहां से सभी किसान एकत्रित होकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। क्या नाम है आपका? दीपाल तोमर। आज आप लोग तो इकट्ठा हुए हैं और कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? किसानों की बहुत समस्याएं हैं, जैसे चारे का रेट बहुत महंगा हो गया और गुस्सा जो फैक्ट्री को बेचा जाता पेपर बनाने के लिए, और हमारी ये मांग है कि जानवरों को देखते हुए गुस्सा किसानों पर ही रहना चाहिए और इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि कोई पेपर मिल गुस्सा ना। और क्या किसानों का बिल माफ होना चाहिए, बहुत किसान मजदूर जो हो महंगी बिजली खरीद तो अपना उस उपयोग में ला रहा है, तो बिजली पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, आवारा पशु बहुत फसलों का नुकसान कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था करे सरकार। ऐसी विभिन्न मांग है किसान मजदूरों की, मजदूर को और किसान को 5,000 मासिक पेंशन मिलनी चाहिए, इन तमाम मांगों के लिए करना है। देश भर में नवरात्र की धूम है, वही फलाहार में इस्तेमाल किए जा रहे कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से लोगों में दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसे मद्देनजर ओल्ड फरीदाबाद इलाके में स्थित कुट्टू और सिंघाड़े का आटा बनाने वाली मिल पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि कोई खामी अगर पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये ओल्ड फरीदाबाद में लिंक रोड है और अभी जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो इसमें कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे का ज़्यादा उपयोग होता है घरों में, तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक अमर इंटरनेशनल नाम से कंपनी है उसके निरीक्षण करके उसके कुट्टू के आटे के सैंपल हमने लिए। पर कुट्टू मंगा के उसको साफ़ करके उसको पीसा जाता है और पैकेट पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग दोनों का काम यहाँ पे होता है। क्या जानकारी में मिला कि यहाँ पे कितना जो माल होगा? अभी हम देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, काफी बड़ी अमाउंट में माल है। ऐसा है सर, हमारा कुट्टू सिंघाड़े का काम है, काफी साल से काम है, बिल्कुल साफ सुथरा काम है, कोई दिक्कत नहीं। हर साल मतलब चेकिंग होती है हमारी, ये रूटीन में आए चेक करने के लिए, कहीं कोई गड़बड़ हुई होगी इसलिए सब कुट्टू वालों को चेक कर रहे हैं, तो हमें कोई डर नहीं है, आराम से सैंपल ले माल है उसका, सारे का सैंपल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। तो ये जो माल है ये कहाँ कहाँ तक जाता है? ये माल हमारा यहाँ मतलब जहाँ लोकल में सप्लाई है यहाँ पे, क्या खारी बाबरी में, खारी बाबरी में जाता है, वहीं से अपने आप ले जाते हैं लोग। खबर गोरखपुर से है, जहां 6 वर्षीय लापता बच्चे गोलू का आज बासगांव के ग्राम सिरसिया बोहरवा के पास झाड़ी में शव मिला। जब परिजनों ने इस बात की जानकारी मिली तो पूरे गांव में मातम फैल गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के लिए 3 टीम गठित की है। बता दें कि बासगांव क्षेत्र का यह पूरा मामला है। थाना बांसगांव में 3 दिन पूर्व एक 6 वर्षीय बालक गुम हो गया था घर से, जिस पर कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और तलाश करवाई। पिछले 3 दिनों से पुलिस गांव के सभी लोग और परिवारजन बच्चे की तलाश कर रहे थे,
इसी क्रम में आज सुबह बच्चे का शव गांव के पास ही एक खेत में तालाब के पास मिला, जिस पर मौके पर सभी आला अधिकारी पहुँचे हैं। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी आई है। जो शव है उसको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और इसमें तीन टीमें गठित की गई हैं SP साउथ के नेतृत्व में, जो कि इसके अनावरण में लगी है और शीघ्र ही इसमें आगे कार्रवाई की जाए। जिले में चेन स्नेचरों ने आतंक मचा रखा है। जहां एक और पुलिस चेन स्नेचरों को गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोरा बाजार चौराहे के पास से अपने बच्चों के स्कूल से ले जाने जा रही महिला की दिन दहाड़े गले से चेन व कान की बाली खींच ली गई। पीड़ित महिला ने बताया कि उसे कुछ सुधा दिया था जिससे उसकी समझ में नहीं आया। जब तक पीड़ित महिला कुछ समझ पा दी, चेन स्नेचर उसे गले से चेन ले लिए कान की बाली लेकर फरार हो गए थे। बता दें कि पीड़ित महिला लक्ष्मी मिश्रा थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर बिहार कॉलोनी की रहने वाली है। जा रहे थे बच्चों को स्कूल लेने, वहाँ पर एक लोग हमको खड़े मिले, हम सब कुछ पूछने लगे, हमें समझ में नहीं आया वो क्या पूछ रहे थे, उनकी भाषा हम नहीं समझे। 2-3 बार पूछे तो हमने बोला कि हमें नहीं मालूम है। तब तक एक लोग और वहाँ पर आ गए, वो बोले कि आप क्या पूछ रहे हो, तो वो बोला कि हम वो जो भी पूछा होगा वो उनके भाषा में समझ में नहीं आई। फिर पता नहीं सर क्या हमको ऐसे लगा दिए, सुंघा दिए कि हमको जैसे हाथ पैर मेरा कांपने लगा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। मेरे सामान सब उतार लिए, पर्स भी ले, गले का ले लिए, कान का निकाल लिए, पर्स में मोबाइल था वो ले लिए। खबर मथुरा से है, जहां जेल में बंद कैदी ने शेविंग ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। वही जेल कर्मियों ने आनंद फानन में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि जानलेवा हमले के मामले में पिछले 5 साल से कैदी जितेंद्र सजा काट रहा है। ये साला है मेरा, ये मथुरा अमर कॉलोनी, ये 307 में, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है कि इसने अपने आप किया है या किसी और ने किया है। कितने साल से बंद है ये? 5 साल से बंद है। 5 साल किसके बारे में? पैरवी इसका मैं ही हूँ, पैरोकार मैं ही कर रहा हूँ उसकी। हाँ, आज सुबह जो है जिला जेल मथुरा से एक कैदी को लेकर आया गया था जो गंभीर अवस्था में था, तो ऑपरेशन थिएटर में उसको सर्जन्स की टीम द्वारा उसकी सर्जरी कर दी गई है। गर्दन पर काफ़ी गहरे निशान है उसके, ठीक है, अब उसकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सरकारी अस्पताल में साफ सफाई को लेकर अपनी जरूरी काम ठप हो गए हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर हेल्थ वर्करों ने 15 दिन पहले भी CMO को नोटिस दिया था, लेकिन कोई सुनवाई ना होने पर सब कामकाज ठप करके कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर CMO को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। तो जायज़ मांगे हैं, हमारे कर्मचारी इतने लंबे टाइम से जो काम कर रहे हैं उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया, और दूसरे जो हमारे ये कोविड के भी कुछ कर्मचारी हैं उनको भी साफ साफ ये कह दिया आपकी नौकरी खत्म। तो अब ये कोविड के दौरान जो लगे हुए थे, जिनको मानिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये कोविड के योद्धा हैं, और आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो क्या उनका ये न्याय है? तो इन चीज़ों को मैं उनसे गुहार भी करती हूँ कि इनको सबको वापस लो और हम अपनी जो हड़ताल है वो तोड़ देंगे। अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमारी ये लंबी हड़ताल चले। प्रशासन CMO साहब को हमने 1 तारीख को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि कर्मचारियों को जो पोर्टल पर कर्मचारियों के नाम नहीं आए हैं उन कर्मचारियों के पोर्टल पर नाम आए, और जो कर्मचारियों की हमारी जो पोस्ट हैं वो पोस्ट पोर्टल पे शो नहीं कर रही, वो पोस्ट शो करें, और टोटल पे जो शो नहीं कर रही उनको दिखाया जाए। तो CMO साहब को हमने ये दिया था। उसके बाद जो हमारे कर्मचारियों के मैसेज नहीं आ रहे थे वो मैसेज भी नहीं आए कर्मचारियों के। कुछ कर्मचारी हमारे जो इन्होंने एक्स्ट्रा करके निकाल दिए अपनी तानाशाही से,
अपने चाहितों को लगा करके। कुछ कर्मचारी हमारे पहले इन्होंने निकाल दिए थे, उन कर्मचारियों के विषय में भी हमने बात की थी कि उन कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर रखा जाए। आज जो बीके हॉस्पिटल का कामकाज है, जो चतुर्थ श्रेणी और स्वीपर का कामकाज है, वो पूर्ण रूप से ठप है। यहाँ तक के जो ऑफिसेज है उनमें भी गंदगी ज्यों की त्यों पड़ी है, किसी ने कोई सफाई नहीं की। अगर आगे भी यही सरकार का रवैया रहा, और सिविल सर्जन मौत देखो, हमने लगभग 15 दिन पहले नोटिस दिया था कि हमारा कर्मचारी आप जो है ऊपर बात कीजिए, अगर कोई भी कर्मचारी बाहर रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। तो उसी भी आप पे हमने आज 6 तारीख को जो है ये दरी बिछाई है। अगर इन कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो ये दरी जो है चलेगी और आंदोलन जो है तीखा होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्वास्थ्य विभाग का एक एक कर्मचारी इनके सहयोग में जो है दरी पाएगा। वही अलीगढ़ में जर्जर सड़कों को लेकर अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि गुस्साए लोगों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए स्कूटी में आग लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे के साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि मई तक सड़कों में सुधार नहीं किया गया तो कॉलोनियों में करीब 200 लोग वाहनों को ले जाकर डीएम कार्यालय पर खड़े करेंगे और वाहनों की चाबियां भी डीएम को सौंप दी जाएंगी। लोगों को यह भी जानकारी दी है कि सालों से सड़कों की हालत खराब पड़ी हुई और शिकायतों के बाद भी उच्च अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क जो कि रामघाट रोड से जीटी रोड को जोड़ती है, वो पिछले 10 सालों से जर्जर हालत में है। इसको लेकर हम पहले भी काफ़ी प्रयास कर चुके हैं लेकिन कभी भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पीछे एक ADA द्वारा ये रोड बनाई भी गई थी लेकिन 3 माह के अंदर ये रोड दोबारा से टूट गई। हमारी नई गाड़ियां जो हम पिछले एक दो साल पहले खरीदी हुई थी वो खरीद ख़राब हो चुकी हैं। तो हमने ब्रोज शुरू अपनी गाड़ियों को आज जिसमें से कि एक स्कूटी थी उसको आग लगा दी है और हमने साथ में एक प्लान भी ये किया है कि आगे 1 मई को अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो 1 मई को जिलाधिकारी कार्यालय में तकरीबन 200 से 250 गाड़ियों के साथ सभी निवासी गण सभी चाबियां उन गाड़ियों की DM साहब को सौंप देंगे। यह प्रदर्शन आज ओजोन निवासियों द्वारा सिंधौली से GT रोड रामघाट रोड को संपर्क करने वाले मार्ग को लेकर किया गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल वैन के माध्यम से अपने स्कूलों में जाते हैं उनकी गाड़ियां पलट जाती हैं, बच्चों के सिरों में चोट आ जाती है। हमारी नई नई गाड़ियां जो एक एक दो दो साल पहले केवल ली हुई हैं उनकी हालत आज इस तरह की हो गई है कि जो वर्षों पुरानी हो चुकी हैं। इसीलिए विरोध स्वरूप हमने अपनी एक पुरानी स्कूटी को यहाँ पर जलाया है जिससे शासन प्रशासन अपनी नींद से जागे और यह देख सके कम से कम ओजोन निवासीगण कितनी तकलीफों में जी रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विजयनगर थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ बिहार में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से एक सिपाही घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। आज लगभग 11:55 बजे बबलू त्यागी नामक युवक ने सूचना दी कि जब वह अपने घर राहुल विहार से अपने साले के घर जा रहे थे तब 2 अपाचे सवार बदमाशों ने संतोष मेडिकल कॉलेज के पीछे सर्विस लेन में उनकी गाड़ी को रोक लिया एवं उनकी गाड़ी पर फायर करा। इसके बाद उन्होंने उनकी सोने की चेन एवं 2000 रुपये लूट लिए। तुरंत इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दी जिसके बाद SHO ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू करा। इसी कॉम्बिंग ऑपरेशन के फलस्वरूप उनको सिद्धार्थ विहार के पास ये अपाचे बाइक दिखाई थी जिसमें उन्होंने उनको रोकने की हिदायत दी। इसको सुनते ही उन्होंने दोनों अपाचे सवार ने पुलिस पर फायर चालू कर दिया जिसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।